पायल का घर उजाड़ दिया कृतिका ने, इसमें कितनी सच्चाई है, बस आया उजाड़ा है। सबसे पहले होंगे केडी देसी रुसी, अच्छा डाना नोड़िया, मासूम शर्मा, मासूम शर्मा कहने लेकर लोग ने कहा इज्जत तो अपनी बहन ही करता नहीं, बाहर ऐसे किसी की बहन दौरा चले जाए, ये मेरी बहन है तो अपनी बहन के पास तो जाता नहीं, क्या कुछ कहना चाहूँगा भाई। 10,000 की नौकरी कर दिया आप, आज कितने कमा लो। दूसरी बात, वो आपकी भाभी है वहाँ पर रो रही है, तो उसको नहीं चुप करते आप। मैं क्यों करूँ, अपनी बहन को बोलता हूँ कि तू ये अकेली है ना, तेरी लड़की है, तेरे को फ्लैट दिला देता हूँ यार, रह ले, बच्चों को खिला लियो, पायल के साथ रह लियो, ब्लॉग बना लियो। आज के दिन मैं क्या कहना चाहूँगा, जो टीचर होता है ना वो केडी है टीचर। अच्छा, हकीकत में लिखने में टीका लगता है दिलेर को लेके, दिलेर को दो चार लोग जानते हैं, जिनको कुत्ता भी नहीं जानता वो भी बाउंसर लेके घूमते हैं आजकल तो। अरे भाई है भाई, इसके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हमारे हरियाणा से हैं तो इसलिए हम इनके चैनल पे इंटरव्यू करें। वेगल लाइव देख रहे सारे दर्शकों ने की और तय राम राम। तो भाई फिलहाल फ्रेम में जो चेहरे देखने लग रहे, परिचय कराने के मोहताज नहीं, क्योंकि हरियाणा हरियाणा तबार सब जाना है। तो जी हाँ, कृतिका और अरमान हमारे साथ मौजूद है, और पायल को भी बिठाएंगे तो पूरी जानकारी लेंगे, बिग बॉस की बात लेगा, हरियाणा में जो कॉन्ट्रावर्सी चल रही है तो व्यूअरशिप ने लेगा भाई, लोगों ने कॉन्ट्रावर्सी करके व्यूअरशिप ले हुए हैं, दाल रोटी चला रहे हैं कौन को भाई, ये जानबूझ के नहीं कर रहे, इनकी जो नेचुरल चीज़ें वो दिखा रहे हैं। तो पूरी जानकारी लेवाएंगे तुम्हारे साथ कृतिका मैम। राम राम। राम राम जी, कैसे कैसे मैम? मैं बहुत ही अच्छी हूँ। अच्छा मैम, बिग बॉस में गए कैसा क्या रहा है आपका एक्सपीरियंस? बिग बॉस का एक्सपीरियंस अलग ही एक्सपीरियंस है, मतलब कि लाइफ का एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसमें आप अपनी फैमिली से दूर रहते हो, थोड़ा सा बंदा अंदर इरिटेट हो जाता है क्योंकि फैमिली वाले से बात नहीं हो पाती। अच्छा रहा जी, ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे हमें, मोटी मोटी बात करांगे। मैं एक अरमान भाई ने थप्पड़ मारा था विशाल का, उसको ऊपर आपकी क्या टिप्पणी है? आपका इंटरव्यू नहीं आया था पायल मैम का, तो मैंने कर लिया था, आप क्या कुछ कहना था? नहीं, मैंने बहुत सारे इंटरव्यू दिए थे जब मैं बिग बॉस से बाहर आई थी, तब दिए थे कि अगर देखो इनकी जगह कोई और भी होता तो वो भी यही करता, और इनके लिए शो मैटर नहीं करता, इनके लिए इनकी फैमिली मैटर करती है। तो ये रियल में भी ऐसे हैं, ऐसा नहीं था कि उस शो में इन्होंने थप्पड़ मारा, अगर ये शो के अलावा भी कई बात होती तब भी ऐसे ही करते। तो ये अंदर भी ऐसे हैं बाहर भी ऐसे, इनका नेचर ही ऐसा है। इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है पायल और गोलू। क्या बिग बॉस स्क्रिप्टेड होता है? बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं होता, हर एक चीज़ जो भी दिखाई जाती है ना वो सब कुछ रियल होती है। आपको कोई भी आपके पास सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं होता, जितने भी लोग हैं वहाँ पे आपको उन्हीं से बात करनी होती है, आपको कहीं बाहर वाले लोगों की छवि नहीं दिखती, आपको एक जगह पे कैद किया जाता है। तो खाना अगर वहाँ पे दिखाया जा रहा है कि हम कम खा रहे हैं, हमारी जो नींद है वो कम है, सब कुछ ही सच होता है जी। आपके ऊपर सवाल उठ रहे थे भाई, पायल का घर उजाड़ दिया कृतिका ने, इसमें कितनी सच्चाई है, बस आया उजाड़ा है। तो देखो, अब बहुत सारे लोग हैं सब बातें करेंगे, वो भी अपनी जगह ठीक है, वो जो चीज़ें हो चुकी है मैं उस चीज़ों को चेंज नहीं कर सकती। मैंने वहाँ पे भी बोला था कि हमारी जो शादी है आज से 7-7.5 साल पहले हुई थी, तो उन चीज़ों को हम चेंज नहीं कर सकते, एक बार चीज़ें खराब हो चुकी है, वो जो दौर था उन चीज़ों से हम निकल चुके हैं। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि जितने भी लोग हैं जो मुझे देख रहे हैं हमें प्यार करें, हमारी फैमिली को प्यार करें। अच्छा, आप डेली व्लॉगिंग करते हो, कभी इरिटेट होते हैं? आज नहीं यार, मेरा सिर दर्द हो रहा है, बुखार हो रहा है, आज नहीं करते आप? बुखार हो जब भी बोलो, कभी इरिटेट नहीं होते आप? नहीं, कभी इरिटेट नहीं होते, क्योंकि ये हमारा काम है, हमें व्लॉग्स ने पहचान दी है और इतने लोग हमें प्यार करते हैं। अगर हम व्लॉग नहीं बनाते ना तो हमारे जो आसपास के लोग होते हैं उन लोगों को कॉल करके पूछते हैं कि इनके व्लॉग्स नहीं आते, तो भाई हमें इतनी ऑडियंस प्यार करती है। तो मेरे को और पायल को तो बहुत अच्छी लगती है व्लॉगिंग करना, मैं तो डेली व्लॉगिंग करती हूँ। अच्छा, बाहर भीतर जाओ, आप शॉपिंग करो हो, लोग भाई जो बाउंसर लेकर जाओ बोले शॉप ज़्यादा करने लगे, इतनी तो पॉपुलरिटी भी होनी, आप क्या कुछ कहना चाहोगे? ऐसा ना ज़रूरी है, क्योंकि आज से कुछ टाइम पहले की बात है, मैं और पायल, मैं जवाब दे देता हूँ इन चीज़ों का। चाहे हम भाई हमें ना जानता हो कोई भी, पर आदमी बाउंसर लेने का मतलब ये होता है कि दो लेडीज जब मार्केट में घूम रही होती है ना तो सामाजिक तत्व बहुत सारे घूमते हैं जो आपसे बदतमीजी करने की कोशिश करते हैं, ज़बरदस्ती सेल्फी लेने की कोशिश करते हैं। और मैं कह रहा हूँ चलो भाई, हमें तो दो चार लोग जानते हैं, जिनको कुत्ता भी नहीं जानता वो भी बाउंसर ले घूमते हैं आजकल, तो सिर्फ इसलिए कि भाई हमारी वीडियो वायरल हो जाए, और हमारे आज के व्लॉग हो, कल के हो, रील हो, कहीं भी आपको हवाबाजी करते हुआ नहीं दिखेगा कि बाउंसर हमारा गेट खोल रहा, फिर हम नीचे उतरे, फिर हम ऊपर चढ़े। तो आज के ऐसे भी लोग हैं जिनको कोई नहीं जानता, फिर भी वो 10-10 बाउंसर लेकर रील बना रहे हैं, तो उनको क्या कहोगे? बाकी दुनिया है, दुनिया का काम भोंकने का होता है और शेर का काम चलने का होता है, तो हमारा काम है काम करने का, दुनिया जो है भोंकती रहे। प्यार करने वाले आपको बहुत मिलेंगे, पर बकवास करने वाले चंद लोग हैं जी। और दूसरी बात, ये हमारा भाई है भाई, इसके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हमारे हरियाणा से हैं तो इसलिए हम इनके चैनल पे इंटरव्यू कर रहे हैं। इंटरव्यू क्या, ये तो बस घूमते फिरते आ गए, बाकी इसने भाई मेरे पूरे खानदान का इंटरव्यू कर लिया,
दो चार गाड़ी गुड़ी भी ले लेते मेरे इंटरव्यू से पता लग रहा है। आप दिलाएंगे भाई जी। मैडम जी एक लास्ट सवाल, आप चले जाना। लड़कियां आपको बहुत ज़्यादा पसंद करती है, वेट था आपका बहुत ज़्यादा, आपने मेंटेन कैसे किया, कैसे वेट कम किया, ये चीज़ बताओ मेरे को। बड़ा सवाल। सबसे पहले मैं बता देती हूँ, मैंने प्रमोशन भी चलेगी यहाँ पे भाई, यहाँ अगर दो पैसे ये कमाएंगे तो हम भी कमाएंगे। इसके साथ साथ जिम और डाइट करना भी जरूरी है। अगर आप सोचो सिर्फ स्लिमिंग किट ले लो और जिम डाइट ना करो तो फायदा नहीं है, आपको थोड़ा सा जुबान पे कंट्रोल भी करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी, साथ ही साथ ये तो आपकी बहुत मदद करती है पतली होने में। ओके, ये कितने रुपया का, मतलब नॉर्मल लड़की ले इसका, एक मिडिल फैमिली की? हाँ, इसका जो प्राइस है 3000 रुपीज है और स्लिमिंग किट हमारी ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल है, तो आप लोग भी ले सकते हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी। थैंक यू। ओके, ई बरमान भाई सीधे बैठ जाओ, आपके करड़े सवाल लेने थोड़े ही। तो भाई हरियाणा तय भाई, भाई अब गांव जिला बताइए कौन सा अपना। देखो भाई मैं हूँ हांसी से और पैदा हुआ था मैं बरवाला मेरे मामे के घर, और जो मेरे फादर साहब थे वो थे सिसाई से। ओके, और इसार हमारा आना जाना लगा रहता था। तो आज से 13-14 साल पहले दिल्ली मैंने देखी भी नहीं थी, दिल्ली होती क्या चीज़ें। फिर जब घर से निकले, समाज ने समझाया, लोगों से धक्के खाए, चीज़ें की, आज अगर बात की जाए तो पूरी दुनिया घूम ली है, लोगों का पता चल गया कौन अच्छा है कौन बुरा है। पर क्या है ना, जब आप समाज में बैठते हो ना, अब यही भाई लगा लो है ना, आज मेरे साथ बैठे अगर मैं इंटरव्यू नहीं करता तो यही आदमी कहता कि अरमान में तो अकड़ बहुत है भाई, वो तो इंटरव्यू नहीं देता। और क्यों दे भाई, हमारा इंटरव्यू हम क्यों दें, पर्सनल लाइफ, हमारी पर्सनल लाइफ है, हमने तुम्हारा लेके थोड़ी खा रखा है कि तुम्हें इंटरव्यू दें। ये हमारा प्यार है कि हम इंटरव्यू दे रहे हैं, नहीं देंगे, हम तो नहीं बुला रहे तुम्हें कि तुम हमारे घर आओ। अब बहुत सारे लोग आते हैं कि इंटरव्यू तो नहीं दे रहे भाई हम इंटरव्यू, पर्सनल लाइफ है सबकी, क्यों दे, वो हमारी अंडरस्टैंडिंग है भाई। और वो हमारी अंडरस्टैंडिंग इसलिए है क्योंकि ये भाई हमारे हरियाणा से हैं। कुछ लोग अपने चैनल की व्यूअरशिप दिखाते हैं, सब्सक्राइबर दिखाते हैं कि भाई इतने बड़े हमारे चैनल है, तो हम बड़े चैनल को तो बिल्कुल नहीं देते। अब कहीं को वहम होगा भाई इसके चैनल पर क्यों कर रहे हो, तो भाई मेल क्या मतलब बोलने की जरूरत नहीं है, छोटा सा चैनल अपना तो आप सब जानो, मतलब कहने की जरूरत नहीं है कि भाई इतना मेल पर चीज़ें पड़ी हैं, हम एक चीज़ को बता बता थक गए, थक चुके हैं। हाँ, तो हम कहते हैं भैया राम राम है, आप अपने घर खुश, हम अपने घर खुश। अच्छा भाई जी, कुलदीप भाई का मैंने इंटरव्यू कराया था, उसने बताया भाई मैं दिहाड़ी करार दे, कुल अरमान भाई भी दिहाड़ी करार दे, दिहाड़ी दिहाड़ी करते करते आप दिल्ली पहुँच गए। जब दिल्ली जॉब कराया करते आप, मतलब कितना कमाया करते, ओडे कितना कमा रहे हांसी में? देखो क्या था ना कि मैं दिहाड़ी करते करते मिस्त्री बन गया। अब आदमी ना हरियाणा में कोई भी हो डेली आदमी, जब उस टाइम मिस्त्री बनते तो उस टाइम 300 रुपये दिहाड़ी थी मिस्त्री की। हाँ, हाँ। और मज़दूर की दिहाड़ी थी यही कोई 90 रुपये 2009-10-11 के बाद। हाँ, उससे भी पहले। अच्छा, उससे भी पहले तो इतनी दिहाड़ी होती थी। तो आप डेली कमा रहे हो, डेली खर्च कर रहे हो, तो आप ये लगा लो कि आप 15,000-20,000 रुपये कमाते हो, जो आपको बचते थोड़ी आपके 2-3,000 रुपये सेविंग होती है आपके पास, क्योंकि घर में भी इतने खर्चे हो जाते हैं। तो हम दिल्ली पहुँचे, दिल्ली मेरे एक दोस्त है जैकी हांसी से, ये वो तो उसके पास मैं रहा काफ़ी दिन, अभी भी 1-2 दिन पहले भी उसकी कॉल आई थी, तो उसको मैं कभी नहीं बोलता क्योंकि वही मुझे लेके जाने वाला था। तो बस कोई भी आज के दिन हरियाणा का आर्टिस्ट लगा लो, पंजाब का लगा लो, कहीं का लगा लो, तो उनकी बैकग्राउंड स्टोरी ना स्ट्रगल से ही शुरू होती है। बिल्कुल। और कुछ होते हैं स्टार किड्स, जैसे अब हमारा चीकू लगा लो, अब चीकू भी मेहनत करता है, पर वो उसको अब जो हम चीज़ें करके देंगे उसको विरासत में काम आएंगे। जैसे अपना हरियाणा में दिलेर भाई ने बोलना है भाई आपके पिता का करिया हुआ है, इस तरीके से बोलना है। देखो भाई मुझे क्या लगता है दिलेर को लेके, दिलेर मेहनती लड़का है, समझदार है, और पिता का क्या भाई, पिता ने तो रास्ता दिखाया। अगर अब उसकी जो फादर साहब की जो रागनियाँ थी, जो भी चीज़ें थी, अब वो थोड़ी उसके साथ चल रही हैं, अभी वो खुद काम कर रहा है चीज़ों को लेके, अपने ऊपर लेके, उसका भाई है साथ खड़ा है उसके। तो भाई मैं तो उस लड़की की तारीफ़ करूँगा, बहुत मेहनती है। बिल्कुल भाई, आप वो किसी की नहीं सुनता, उसको लोग बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, लड़कियों जैसी आवाज़, ये आवाज़, वो आवाज़। आज के दिन भी लड़के का हिट गाना चल रहा है कबूतरी, मैं सुनता हूँ चीज़ों को, ये नहीं है कि मैं इग्नोर करता हूँ, मैं जानता नहीं, बढ़िया आदमी है। और मेहनत जो उसके अंदर जो क्वालिटी है वो किसी की नहीं सुनता, वो कहता मैं सिंगर हूँ तो हूँ। अब सिंगर का मतलब ये नहीं कि तुम्हारी भाई सिद्धू पाजी जैसी आवाज़ हो, उसकी अलग आवाज़ है भाई, आवाज़ थोड़ी चेंज करवा लेगा। और दे रहा हिट गाने, अभी जो गाना दिया कबूतरी, मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में 100 मिलियन का गाना है। अच्छा भाई जी देखो, आप हरियाणवी गाने करो, पहले पंजाबी करा दी, हरियाणवी कल्चर ने बढ़ावा दे रहे आप, बहुत बढ़िया चांद गाना था, हिट गाना आपका। तो भाई जी हरियाणवी कलाकारा के कुछ नाम लेऊंगा, जो थिंकिंग है ना माइंड में आपके, वो बताना। सबसे पहले होंगे केडी देसी रोक, जबरदस्त आदमी है यार, होगा यार। अच्छा अच्छा भाई, उसकी कॉन्ट्रावर्सी चली डांडा नोले वाले के बारे में, भाई कह रहा है लेखनी में बराबर बिठाए दो, या फिर मैंने ऐसा भाई कुछ इसके
पर्सनल बोल लिया भी नहीं, इतनी कंट्रोवर्सी आपने सुने पॉडकास्ट, और क्या कुछ कहना चाहूँगा? देखो भाई, आज के दिन मैं क्या कहना चाहूँगा, जो टीचर होता है ना वो केडी है, टीचर। अच्छा, हकीकत में लिखने में टीचर है वो आदमी। और रैप को लाने वाला, जब रैप किसी ने सुना भी नहीं था ना कि रैप होता क्या चीज़ है, जब मैं पैदा हुआ था, जब मैं सुना, मुझे पता लगा कि एक आर्टिस्ट है, तो मुझे वो केडी भाई में नज़र आया। उसके बाद आज की जनरेशन क्या कर रही है, वो विदेश में रहे या अमेरिका में रहे, वो भी अच्छा कर रहा है। अब उनकी पर्सनल चीज़ें हैं, पर्सनल झगड़े हैं, या तो वो बैठ के शॉर्ट आउट करे, अब मैं इस पर कॉमेंट्री करूँ तो वो बात गलत है, मैं तो ये बोलूँगा। ओके, अच्छा, डाना नोड़ियाला उसके बारे में क्या कहना था? देखो भाई, पहला नंबर तो क्या होता है ना कि आजकल सोशल मीडिया की लड़ाई चल रही है, या तो आप 5 लोगों में बैठ के एक महफिल लगा लो और कहीं मत डालो, पता लग जाएगा कौन कितना घी शक्कर में और क्या है। बाकी मैंने केडी भाई के शो देखे हैं, भाई वो आदमी बिना गाए बिना पब्लिक को रोक सकता अपनी बातों से। हाँ, ये बात तो है, और सारी बातें क्वालिटी वाली। केडी भाई का मैंने शो देखा है, डांडा का मैंने कोई शो नहीं देखा अब तक, ठीक है, उसके गाने सुने हैं। तो मुझे क्या लगता है, अगर बात की जाए ओदे में तो केडी बड़ा है। बात अगर कहते हैं ना कि अब मैं तुमसे पंगे लूँ, मैं तुम्हें पुश करूँ, एक आदमी अमेरिका रह रहा है, वहाँ से म्यूज़िक बना रहा है, वहीं का कल्चर दिखा रहा है, एक आदमी इंडिया में रह के इंडिया का कल्चर दिखा रहा है। नहीं, फिर वो भी तो बाहर रह के इंडिया का कल्चर दिखा रहे हैं भाई। अब कहाँ, कौन से उसके गानों में कल्चर है, उनके अब गानों में कहाँ है, गानों में है, उसकी सिनेमैटिक में थोड़ी है कल्चर। सिनेमैटिक में नहीं है, गानों में तो है। गानों में तो वो चीज़ें है ना कि जो अपने आप को प्रमोट कर रहा है वो, अपने आप को, बिल्कुल अपनी चीज़ों को, अपने आप को, जैसे सिद्धू पाजी अपने आप को चीज़ों में बड़ा दिखाते, तो वही कर रहा है वो भी, बिल्कुल। अच्छा भाई जी, मासूम शर्मा। मासूम शर्मा भाई मुझे लग रहा है ऐसा कलाकार है, अगर वो खांस भी देना वो भी हिट है। ओके, अच्छा, आगे होंगे, अभी राज माउर का अपने गाना कर रहा है, उसके बारे में क्या कुछ जो कैसा बैकबोन हरियाणा की, मैं तो कहूँगा बैकबोन के साथ साथ मुझे लग रहा है कि वो इंसान ना पूरी ज़िंदगी नाम कमा चुका है हर चीज़ में। जिस ओहदे का वो आज आर्टिस्ट है ना, ये लगा लो ना, तो वो इंस्टा पे एक्टिव रहता ना, उसको हीरो बनने का शौक, सिंपल है, सिंपल आदमी लगता मुझे। पर आवाज़ में इतना दम है कि भाई उससे ऊपर कोई नहीं, कोई नहीं, टक्कर में वही काफ़ी अपने हरियाणवी कला, एक दो सुर वाले बहुत पहले नंबर माना जाता है। मैं उसको और मासूम को बराबर ही रखूँगा। आपका बारे में ब्लॉग कहाँ है, बोले सिंगिंग लाइन में क्यों पैर दे दिया, ठीक है अपने ब्लॉगिंग कर लो, मतलब इस चीज़ में आपने की इंटरेस्ट भाई है? देखो मेरी आदत है, मैं सिंगिंग लाइन में रखूँ, मैं झगड़े में रखूँ, मैं कलेश में रखूँ, मेरी है। अब मैं किसी के कहने से थोड़ी करूँगा, आजकल लोग अपने बाप की नहीं मानते तो मैं लोगों को क्यों मानूँ? आपको लोगों का इतना एटीट्यूड है, कई बार नुका मिलता नहीं, मिला है तो उस तरीके तो उदा तो मिला है, या फिर नुका भाई कई जगह नुका पैसे खा रहे हैं इस तरीके की, आपके मन ने कई चैनल पर सुनी है, देखी है। अच्छा, देखो जब आपका बुरा टाइम चल रहा था ना, आपके साथ कोई नहीं खड़ा होता, जब आपका अच्छा टाइम होता ना, आपके आसपास बहुत सारे लोग आएंगे जो आपको बुरा बताएंगे। जब बिग बॉस में गए, पूरी तबाही में जाती, होम पेज जब खोलते, तीसरी अरमान मलिक की वीडियो, तीसरी अरमान मलिक की वीडियो, ये बुआ दिखते नहीं, आपने क्यों नहीं छेड़े उनके तार, क्यों नहीं उनका जवाब दिया? देखो भाई, कुत्ते भोंकते रहते हैं, अगर मैं हर किसी के साथ भोंकना शुरू करूं तो एक साल लग जाएगा मुझे हर किसी का जवाब देते हुए। तो मैंने सुना है हरियाणा में, आपने कहावत सुनी है ना, एक चुप सो को हराता है, तो मैं चुप ही रहता हूं। मैं अगर क्या, मेरी प्रमोशन ही तो कर रहे ना बात कर करके, मैं तो नहीं कर रहा ना किसी की, बिल्कुल। अच्छा भाई जी, कभी देखो इतना तामझाम जोड़ दिया, पब्लिक का प्यार ले लिया, कभी डीमोटिवेट हो तो आप कैसे अपना मोटिवेट करें अपना अपना? भाई मैं जब डीमोटिवेट होता हूँ ना, तो मैं जिम चला जाता हूँ, और फिर मैं अपने ना पास्ट में चला जाता हूँ कि मेरे पास कुछ नहीं था, आज सब कुछ है, तो मैं डीमोटिवेट क्यों? ये भी सही है। अच्छा भाई जी देखो, आप कभी खुद काम करे यार दे किसी के नीचे, आज आपके नीचे काफ़ी बंदे काम कर रहे हैं, भाईचारे की तरीके आप रख कौन थी, कोई नया लड़का लड़की काम करना चाहो तो कैसे क्या कॉन्टैक्ट करें आपके साथ, हमारे साथ, आपके साथ? भाई देखो क्या कि ना, फिलहाल जो हमारी टीम है वो फैमिली वाली टीम है। ओके, अभी जो हम स्किन का ट्रीटमेंट वाला खोल रहे हैं, तकरीबन लोग पहले तो देखो क्या है ना, हमें ढूंढना ही मुश्किल होता था मिलेंगे का, पर यहाँ पे अभी जो स्किन का हमें खोला है, तो यहाँ पे एक टाइमिंग रखें, कृतिका और पालिस्टम यहाँ मिला करेंगे, लेडीज़ का ही काम है तकरीबन यहाँ, तो जिसमें क्वालिटी होगी वो यहाँ आ जाएगा और मिल लेगा। अच्छा, मतलब जिसने अभी काम करना हो मिल का, तो बातचीत करा तो क्वालिटी होगी तो रख लेंगे। हाँ, रख लेंगे ये चीज़ें। अच्छा, पीछा तेल रखा भाई जी, ये नुका है यू और लग गया बिजनेस करना है, अपना ब्लॉग ठीक करने लग रहा, इसमें नुका ना तो कोई रिजल्ट आता, आओ है कि नहीं बताओ? भाई मैं क्यों बोलूँ, एक बात बताओ, मेरे को आज ये लगा लो 6 महीने हो गए, अगर कोई चीज़ों में दिक्कत होती तो यहाँ भीड़ होती ना कि चेंज करो, हम तो सामने दे रहे ना, हम तो ऑनलाइन दे ही नहीं रहे, और हमारा फेस है, हम किसी का फ्रॉड थोड़ी कर रहे हैं,
तो लोगों का काम होता है बोलने का, बोलने दो ना यार भाई। बाल जड़े हैं या फिर जो मान ले उड़ गए वो वापिस आ सके हैं भाई? देखो मैं ये यूज़ कर रहा हूँ तेल, हाँ यूज़ कर रहा हूँ, रिजल्ट अच्छा है। आप भी यूज़ करके देखो, इससे बड़ी बात तो बोलूँगा नहीं। अच्छा भाई आगे क्या बिग प्रोजेक्ट है? कुछ नहीं भाई, खतरों के खिलाड़ी भी मिलेंगे। ओके अच्छा भाई एक लास्ट सवाल है, काफ़ी लोग मेरे चैनल के नीचे भी कमेंट करें, मैंने काफ़ी आपके परिवार के अब मैंने इंटरव्यू करे हैं, तो आपकी बहन ने लेकर लोगों ने कहा इज्जत तो अपनी बहन ही करता नहीं, बाहर ऐसे किसी की बहन दौरा चले जाए ये मेरी बहन है तो अपनी बहन के पास तो जाता नहीं, क्या कुछ कहना चाहूँगा भाई लोगों का? मैं वही बोलना चाहूँगा लोगों, जितने मुँह इतनी बातें, मुझे पता मेरी बहन से मेरा क्या रिश्ता है। जब आदमी नया नया यूट्यूब पर आता है तो उनको लगता है कि जो लोग कमेंट करते हैं ना वो आपका साथ देंगे, तो आदमी ना सब कुछ वहाँ डालना शुरू कर देता है, रोना पीटना कलेश, जब वो डालेंगे तो नीचे कमेंट आएंगे आप टेंशन ना लो हम आपके साथ हैं, आप दिक्कत मत करो हम आपके साथ हैं। तो लोगों जो सामने वाला होता है नया नया उसको लगता है हो बहुत सपोर्ट आ गई, तो कोई भी ना आपको 100 रुपये नहीं देता, बाद में आपकी फैमिली काम आएगी। और उस टाइम क्या होता है ना हाथ से चीज़ें छूट जाती हैं, फिर वो गलतियाँ हो जाती हैं, फिर आप उसको माफ़ी में तब्दील करते हो भाई गलती होगी मेरा दिमाग ख़राब हो गया था ये चीज़ें। तो सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसको अच्छे से यूज़ करो। जब अगर आपके लगता है, पहले क्या था, पहले सोशल मीडिया नहीं था, अगर मेरी तेरी लड़ाई हुई तो चार लोग बैठ के फैसला करवा दे, किसी को पता ही नहीं लगता था। आज के दिन क्या करते हैं, वो चीज़ें डाल के सोचते दो पैसे भी आ गए, सिंपति भी मिल गई, सामने वाले को गलत भी कर दिया। तो भाई मुझे जितना गलत बोलते हो अच्छा बोलते हो मेरे ऊपर वाले को पता है, मैं हर किसी के घर जाके सफाई नहीं दे सकता। अच्छा बात करा जी, मान ले कमेंट करा है मैंने सपना मैम का इंटरव्यू करा, तो लोगों को है जो कर्जा बताया उसने कुछ कर्जा है, तो लोगों को अरमान तो करोड़ों का मालिक है, एक मिनट में पैट दिया कर्जा, तो आप उसके पास नहीं जाते या वो नहीं आते कुछ से रीजन? छोटी सी बात है, अब तू मेरे पास आया ठीक है, मैंने तेरे से बोला तू कितने रुपये कमाता, तूने बोला 100 रुपये ठीक है, मैंने बोला यार तू यहीं मकान ले लेना, अगर तू रोज की एक मेरी दुकान की वीडियो बनाएगा कि आज ये लोग आए हैं दो लोग आए हैं तो तू 500 रुपये कमा लेगा। तूने बोला भाई मेरे पास रहने का नहीं है, मैंने बोला रहने का भी दे दिया। यही बात मैं अपनी बहन को बोलता हूँ कि तू अकेली है ना, तेरी लड़की है, तेरे को फ्लैट दिला देता हूँ यार रह ले, बच्चों को खिला लियो, पायल के साथ रह लियो, ब्लॉग बना लियो, तू जो बिजनेस करना चाहिए मैं करवा दूंगा। तो आदमी तो यही कर सकता है, ये बात सही है। अब कोई नहीं आए उठ के तो मैं उठा के थोड़ी ले आऊँगा, धक्का तो किसी के लगा कर नहीं कर सकते। अच्छा बात करा है भाई कुलदीप की, पीछे आपने वीडियो बनाई थी भाई नशा मुक्ति में छोड़ दे इतना नशा कर रहा है, तो आप उस चीज़ ने बोले पर्सनली वो चीज़ क्यों दिखाओ पब्लिक में? और दूसरी बात वो आपकी भाभी है वहाँ पे रो रही है तो उसको नहीं चुप करते आप? मैं क्यों करूं यार चुप, उनकी ज़िंदगी है यार, मैं किस चीज़ को चुप करता फिर? आपका नाम लेके बोल रहे ना, मैं तो फ़ोन पे करवा देता हूं भाई मान जाओ, पर वो अपने सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। आपने क्या लगा गलत है? गलत है ना ये चीज़ें, आप सोशल मीडिया पे क्यों करते हो? पब्लिक स्टंट होती है, पब्लिक स्टंट नहीं है, इनको ना कोई समझाने वाला नहीं है, मंद बुद्धि होते हैं, ये सोचते हैं यूट्यूब पे डालेंगे 15-20 कमेंट आएंगे, लोग कहेंगे टेंशन ना लो टेंशन ना लो, तो उससे उनको शांति मिलती है, मन को शांति मिलती है। अच्छा आपकी बात करें पब्लिक स्टंट की, एक पाछा वीडियो डाली थी आपने वो गाड़ी की, गाड़ी की एक्सीडेंट हो गया था, लोगों ने यू देख कितना बढ़िया स्टंट मारा इसने, अगर फिर आपने गाड़ी की वीडियो भाई इसको मत खरीदो, तो पब्लिक स्टंट था या नेचुरल होगी? तो चीज़ें भाई एक बात बताओ, पहला नंबर तो मुझे लगता है कि जो देखते वो अंधे होते हैं, 1-2 करोड़ की गाड़ी उसमें मैं क्या स्टंट करूँ? अगर स्टंट करना होता तो जिस दिन लाया उस दिन उसका रिबन काटते हुए दिखाता मैं, उस दिन वायरल होती वीडियो तो बहुत वायरल होती है, उसका ब्लॉग भी डालता, ब्लॉग डालते तो 5-7 लाख रुपए भी आते। तो जब मेरे साथ नुकसान हो तभी तो चीज़ बताई है, मैंने अच्छी चीज़ में तो रखा ही नहीं, जिस दिन मैं लेके आया मैंने ना कोई रिबन काटा ना कुछ किया, किसी को नहीं दिखाया। आज के दिन जो यूट्यूबर ब्लॉगर होते हैं ना, एक फ़ोन भी लेके आएंगे ना वो भी दिखाते हैं, मैं तो नहीं दिखाता। बिल्कुल। अच्छा भाई जी आप इस लेवल से उस लेवल पर पहुँच चुके हो, 1-10 हज़ार की नौकरी कर दे, आप आज कितने कमा लो महीने? 20,000 रुपये कमा लो। 20,000 के तो जूते पा रहे हैं भाई? नहीं नहीं जूते मेरे होंगे 1200-1300 रुपये के। अच्छा ऐसा भाई देखो क्या है ना कि जितने लोग मेरे साथ हैं सब अच्छा खा रहे हैं अच्छा पहन रहे हैं, गाड़ी की किस्तें जा रही है, टीम काम कर रही है, गाड़ी किस्त पर है सारी किस्तों पर भाई, बड़े लोग बताओ नहीं 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 देखो कोई भी है बड़ा लोग, चाहे मैं कह रहा हूँ अंबानी को ले लो उसकी भी गाड़ी कैश पे मिलेगी नहीं आपको, कुछ तो मिलेगी। बैंकर देखो क्या, आप कितना भी कमा लो, कमाने का मतलब होता है कि आप एक अच्छी ITR भर रहे हो जी, सरकार के साथ जुड़े हो, जब आप कमाने लग जाते हो ना फिर आपको पैसे का लालच नहीं रहता, फिर आपको रहता है कि मुझे जीना है, ITR अच्छी करनी है, टैक्स अच्छा भरना है, गाड़ी गुड़ी लेनी है, किश्तें चली जाएँ, फिर आप सेविंग नहीं, फिर आप सोचते हो कि अच्छी लाइफ जी, और वो मैं जी रहा हूँ। बिल्कुल। अच्छा बिग बॉस में गए भाई जी अनिल कपूर से मिले, उनकी लाइफ अपने लाइफ में कितना डिफरेंट? बहुत स्ट्रगल है उनका, हम तो कुछ भी नहीं है, आपको लगता है ना कि भाई वो बहुत स्टार है, स्टार बस कहने के स्टार हैं,
इतना स्ट्रगल है। मैंने उनका लास्ट टाइम जब मेरे साथ उनका शूट हो रहा था तो वो सुबह सेट पे आए थे 10 बजे, रात को 9 बजे तक वो आदमी दो पैरों पे खड़ा रहा था। ये नहीं कि टेक दे दे के वैनिटी में जाता है, बहुत स्ट्रगल करते हैं वो, खड़े रहे मतलब दो तो जैसे बीच में खड़े रहे, बीच में जैसे थोड़ा कैमरा हुआ, खाना वाना खाया तो 15-20 मिनट का टेक लिया होगा बीच में, मतलब 3 बार ही लिया होगा 10-10 मिनट का। उनसे ज़्यादा मेहनत हम नहीं करते, हमें लगता है कि वो क्या करते हैं, उनके पीछे लोग होते हैं, उनके पीछे 10,000 आदमी काम करे सिंगल के ऊपर, इसलिए वो इतनी मेहनत करता है कि 10,000 आदमियों का घर चला सके। अच्छा भाई जी, बिग बॉस में गए, विशाल का थप्पड़ मारे आपने, ये विशाल के बातचीत हो गई नहीं, वो तो पुरानी बात हो गई भाई, बता दिया था आपने। देखो भाई क्या है, मैं अपने ना जुबान पे रहता हूँ, जब मैं बिग बॉस में था तब भी मैं बोल के आया था, जो मेरे अपने थे मैं उन्हीं के साथ हूँ। मैं बाहर आके चमचागिरी नहीं करता, तलवे नहीं चाटता लोगों के, और ना मुझे चाटने आते, अगर मुझे चाटने आते तो वहाँ इतने लोग थे, मैं बाहर आके रीले बना रहा होता सबके साथ, तो मैं जैसे अंदर था वैसे बाहर हूँ ना, मैं वहाँ उसको कुछ अहमियत देता ना मैं बाहर देता हूँ। अच्छा, आपने शिवानी या के बारे में बोला था, उसने भाई अर्थी दिखाई थी वीडियो पर, कोई मर गया था, आपने बोला था ये चीज़ें गलत हैं, तो उसका कोई जवाब ही नहीं है भाई। ऐसा है क्या ना कि मैं नहीं कहता गलत है, आप कमेंट पढ़ लो, कमेंट क्या पढ़ लो, जो आदमी बिग बॉस में दोगलापन दिखा सकता है वो तो एक नेचुरल लाइफ है, वहाँ हमने उसका बहुत साथ दिया, वहाँ भी दोगलापंती करती थी, यहाँ की बातें वहाँ, वहाँ की बातें वहाँ, तो बिग बॉस चला गया, बातें भी जाने दो, बाकी सब अपना अपना भुगत रहे हैं भाई, वो अपना भुगत रहे हैं, हम अपना भुगत रहे हैं। अच्छा भाई जी, बिग बॉस में नहीं बालक जाना चाहो, मेहनत करके भाई हम भी यूट्यूब पे या फिर बिग बॉस में चले जाए, आपने केला कितने रुपये भरने पड़ा? 1 रुपया नहीं देना पड़ता, अपने आप बुला लेंगे जिस दिन आपके अंदर क्वालिटी होगी। अच्छा, मतलब नेचुरल चीज़ है, कोई मतलब फिक्सिंग नहीं है। ओके, तो आज क्या कुछ कहना चाहोगे, इतनी पब्लिक प्यार दे रही है, तो लास्ट में क्या मैसेज देना चाहोगे? भाई बस मैं ये बोलूँगा, मेहनत करते रहो, अपनी पर्सनल चीज़ें किसी को मत बताओ, अपने सगे दोस्त को मत बताओ, जो तुम्हारे ज़िंदगी का एम है ना वो तुम्हें ही पूरा करना पड़ेगा, कोई साथ वाला पूरा करके नहीं देगा। जब वो चीज़ें बड़ी हो जाएं तो अपने घर वालों का ध्यान रखो, और जितना हो सके अपनों से बच के रहो। अपनों से, दूर वाले को तो आपके बारे में पता ही नहीं है कि अरमान किस टाइम उठता है, किस टाइम सोता है, अपनों को पता होता है। अपने मतलब ये नहीं कि खून के रिश्ते, आपके साथ जो रह रहे हैं उसको पता है उस टाइम उठता है। अगर आपकी बात कोई लीक हुई है, सोच ले आज तेरा रेवेन्यू किसी को पता है, तूने बताया ना किसी को, तभी तो पता है। आज तूने किसी को घटिया बोला है, तूने बोला है तो, और तेरे साथ में बैठा है उसी ने तो बताया है, और फिर लड़ाई होगी, फिर सफाई देगा, ना भाई मैं नू कहूँ था, आज तू मेरा इंटरव्यू ले रहा है, मैं तेरे लिए अच्छा हूँ, और जब तू उनके साथ बैठा था फिर मैं तेरे को फ़ोन करके बोला ये चीज़ें मत कर, तो उस टाइम मैं घटिया था। तो हर टाइम आदमी अच्छा भी नहीं होता, बुरा भी नहीं होता, माहौल होता है, पर क्या ना धीरे 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 जब आप मार्केट में बैठोगे ना, आपको समझ आ जाएगी कितना बोलना है, कहाँ बोलना है, कैसे बोलना है। बिल्कुल, तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई, जितना कीमती समय दिया आपने। बस भाई थोड़ा पैसे दे दिए मुझे भी, आ जाए भाई, इतने बड़े बंदे तो पैसे देने पड़ रहे हैं। ठीक है, वो 10,000 में काम चला लिए, जूते ले आइए यार, अब तू जूते की बात कर रहा था तो नहीं। चलो भाई, तो आपने इंटरव्यू कैसा लगे भाई कमेंट के जरिए बताना, तो वीडियो ने शेयर कर देना जो भी आपने बात बढ़िया लगी, और जो भाई आप पूछना चाह रहे हो कमेंट के जरिए बताना, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, तो मिलते हैं वीडियो के साथ, जब तक देव इजाजत, जय हरियाणा। चाहे बता देना, यह बात भी बता दे, अभी ओपनिंग होने वाली है स्किन का, और क्या क्या चीज़ें हो भाई? देखो स्किन का ट्रीटमेंट का जो भी होता है, डर्मेटोलॉजिस्ट का काम, स्किन का जो भी होता है, जो भी जो फेक लोग हैं ना, जो केमिकल लगा लगा के लोग अपना गुजारा कर रहे हैं, उनकी रोटी बंद हो जाएगी, क्योंकि डॉक्टर हैं यहाँ पे सारे जिनके डॉक्यूमेंट्स हैं, लेज़र हैं जो अप्रूव हैं, तो कुछ लोग हैं जिनके पास कोई साइट मतलब सर्टिफिकेट के साथ, सर्टिफिकेट के साथ, क्योंकि मैं तो पंगे ऐसे लेता ही नहीं ना भाई, सही है, मैं लूँगा तो मेरे से बहुत लेने वाले हैं, तैयार बैठे हैं। तो भाई आपको सिर्फ एक काम करना है ज़िंदगी में, मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे यहाँ आओ, जहाँ भी जाओ आप डॉक्टर के डॉक्यूमेंट्स देखो, जिस लेज़र से आप काम करवा रहे हो उसके डॉक्यूमेंट्स देखो, क्योंकि आपका फेस है, आप फेस मत छिड़वाने दो किसी को भी। आजकल लोग क्या कर रहे हैं ना, तुम्हारे केमिकल लगा है, 2 दिन में तुम्हारी स्किन चमक गई और वही वीडियो दिखा के फिर आप उसको ठीक कराने जाते हो, तो वहाँ क्या कर रहे हैं, आपकी स्किन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, सरासर खिलवाड़ कर रहे हैं, अपने पैसे कमा रहे हैं और अपने आप को बड़ा दिखा रहे कि हम डॉक्टर हैं, वो डॉक्टर नहीं है, वो फेक लोग हैं। बच के रहो, जगह जगह खोल के बैठे ना आजकल कि ये कोरियन ट्रीटमेंट, तो ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये स्पेशली 1 लाख रुपये मशीन है वो। अच्छा, और क्या, 1 लाख रुपये मशीन है वो, हमने खुलने दो, हम आपको मशीनें भी दिखाएंगे, डॉक्यूमेंट्स भी दिखाएंगे। बस मैं तो ये कहूँगा कहीं भी कराओ आप,
पर डॉक्टर और मशीनों के डॉक्यूमेंट्स ज़रूर चेक करो कि भाई ये अप्रूव हैं या नहीं है। बस हर चीज़ नॉलेज के साथ हो। टाइम बता देगा रेडी। और हरियाणा के जितने भी हमारे इंटरव्यू वाले भाई मुझे सुन पा रहे हैं, आप लोग भी आना, सब सबका मोस्ट वेलकम है। सबसे इंटरव्यू करेंगे, छोटी छोटी बाइटें करेंगे, चीज़ें करेंगे, जितना हो सके भाई हम आपको प्रमोट भी करेंगे। कितना टाइम लग जाएगा? 15 दिन दिवाली के बाद। दिवाली के बाद तो जी हाँ, कोई भी मिलना चाहो तो आज का है, तो कोई भी मिलना चाहो तो आज का। तो भाई एड्रेस है नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरा भाई, तो आज कहो मिल सको हो तो भाई आपने अरमान, कृतिका, पायल तीनों आपने टाइम अनुसार मिलेंगे। तो यहाँ पे आज को हो तो भाई आपने एयर भाई आपके बाल झड़ रहे हों या फिर बाल जमाए नहीं हो तो वह अभी रूंग रूंग हो तो वह आपके आ जाएंगे। तो जी हाँ, गारंटी के साथ ये बोतल आपने मिलेगी। और किट काट है भाई जिसकी? हाँ, कोरियर करा देते। कोरियर चाहिए तो कोरियर हो जाएगा भाई, और वैसे मिल भी जाइयो और ये भी ले जाइयो। तो आज को आप चंडीगढ़ में, तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक देव जाजत, जय हरियाणा, जय हरियाणा।